हेलो हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर देखते हैं चार। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे तो जाकर देख लेना, नालायकों देख लेना, जाकर नालायकों प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सहमति और स्वतंत्र सहमति से आपका क्या तात्पर्य है? सहमति कब मुक्त नहीं है? अनुबंध में इसके महत्व पर चर्चा करें। तो आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सहमति और स्वतंत्र सहमति क्या होता है? भारतीय अनुबंध अधिनियम में सहमति की परिभाषा धारा 14 में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यह तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही अर्थ पर सहमत होते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण देखते हैं, ए अपने घर बी को बेचने के लिए सहमत है। ए के पास 3 घर है, ए के पास कितने घर है? 3 घर है, और वह हरिद्वार में अपना घर बेचना चाहता है। बी सोचता है कि वह अपना दिल्ली का घर खरीद रहा है। यहाँ ए और बी एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत नहीं है। ए को लग रहा है कि मैं हरिद्वार का घर बेचूंगा और बी को लग रहा है कि वह दिल्ली का घर बेचना चाह रहा है। उस केस में इसलिए बाद में कोई सहमति नहीं है और कोई अनुबंध यहाँ पर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जो रेफरल्स बनाम विचेल होस के मामले में दो पक्षों ए और बी ने बॉम्बे से पियर लेंस नामक जहाज द्वारा 125 कपास गांठों की बिक्री के लिए एक अनुबंध में प्रवेश किया। एक ही नाम के दो जहाज थे और जब पार्टी ए के जहाज के बारे में सोच रहा था तो पार्टी बी दूसरे जहाज के बारे में सोच रहा था। मतलब दोनों का कंसेंट फ्री नहीं है, ए दूसरे के बारे में सोच रहा है, बी दूसरे के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर यही मतलब हुआ कि जब दोनों एक चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे तो अनुबंध बनाएगा कैसे? तो अदालत ने माना कि दोनों पक्षों में मन में कोई मेल नहीं था, अतः अनुबंध अवैध था। सर अब ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा है, सहमति कब मुक्त नहीं होता है? सहमति तब मुक्त नहीं हुआ, 5 चीज़ें। पहला, जबरदस्ती, जो धारा 15 होता है, इसको हम लोग कोअर्सन कहते हैं, कोअर्सन। सर कोअर्सन का मतलब क्या होता है? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 15 में कहा गया है कि जबरदस्ती करना या करने की धमकी देना कोई भी कार्य भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 द्वारा निषिद्ध है। ये सब धारा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या किसी भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए किसी भी संपत्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लेने या रोकने की धमकी देना, जो भी हो, किसी भी व्यक्ति को किसी समझौते में शामिल करने के इरादे से अगर जबरदस्ती कर रहे हो, मतलब कोअर्सन के हिसाब से धमकी दिया जा रहा है, उस केस में ये कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। जबरदस्ती आप कागज़ पर साइन करवा रहे हो, है ना, जबरदस्ती आप कागज़ पर साइन करा रहे हो, उस केस में ये नहीं माना जाएगा कि वो अनुबंध है। उदाहरण के लिए, ए टहलने के लिए बाहर गया था, ए टहल रहा था और बी एक अजनबी के साथ ए के पास आता है और अपनी बंदूक गोली सटाता है और बोलता है चल साइन कर। ए से अपनी सारी संपत्ति देने के लिए कहता है। यहाँ ए की सहमति जबरदस्ती से प्राप्त की जाती है। समझ रहे हैं तो लाइक कर दो चुपचाप फटाफट से लाइक करो। लाइक नहीं करोगे तो मैं भी सर कोअर्सन करूँगा, गन सटाऊँगा आपके कनपट्टी पर, गन सटा कर मैं बोलूँगा लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, नहीं तो कनपट्टी पर गन सटाऊँगा, समझे। चलिए मजाक कर रहा हूँ सर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, अनुचित प्रभाव मतलब होता है इन्फ्लुएंस भी, जो इन्फ्लुएंस होता है, जिसे अंडी इन्फ्लुएंस कहते हैं, मतलब मानसिक में उसको क्या की जाती है, मानसिक अवरोध की जाता है, रोका जाता है करने से, या फिर उसको एक तरह से अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को इस तरीके से मानसिक में चोट पहुंचाना होता है, और बोलते हैं कि जबरदस्ती क्या करो, अनुबंध बनाना चाहते हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 16 के अनुसार किसी प्रभाव को अनुचित प्रभाव माना जाएगा जब अनुबंध का एक ही पक्ष विश्वास की स्थिति में है और दूसरे पक्ष को गलत तरीके से नियंत्रित करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी प्रमुख स्थिति का उपयोग करता है। अनुचित प्रभाव के दो तत्व होते हैं, पहला रिश्ता विश्वास और अधिकार, और दूसरा है अनुचित अनुबंध की शर्तों की सावधानीपूर्वक जाँच। जहाँ एक पक्ष दूसरे के प्रति प्रत्याशी संबंध में हो, जैसे वकील और ग्राहक, ट्रस्टी और ट्रस्ट, आध्यात्मिक सलाहकार और भक्त, चिकित्सक प्रायोगिक और रोगी, माता पिता बच्चे, पति पत्नी, मालिक नौकर, संरचना और वार्ड, ठीक है। उदाहरण के लिए, ए ने अपने शिक्षक बी को अच्छे ग्रेड की पेशकश के बाद अपने सोने की अंगूठी 200 रुपये में बेच दी। यहाँ ए की अनुमति स्वतंत्र रूप से नहीं हो क्योंकि वो शिक्षक से प्रभावित था, इसको हम लोग फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे।
अगला है धोखाधड़ी, तीसरा बोल रहा है धोखाधड़ी। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के अनुसार धोखाधड़ी में अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किसी पार्टी या उसके एजेंट को धोखा देने या प्रेरित करने के लिए अनुबंध करने वाले पार्टी या उसके मिलीभगत या उसके एजेंट द्वारा किए गए निम्नलिखित में से कोई भी कार्य शामिल है। जैसे पहला किसी तथ्य से परिचित व्यक्ति, दूसरा किसी तथ्य को प्रभावी ढंग से छिपाना, इसे पूरा करने के लिए इरादे के बिना किए वादा, धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य, ऐसा कोई कार्य या चूक जिसे कानून कपटपूर्ण मानता हो। उदाहरण के लिए है ए अपने घोड़े के नीलामी द्वारा बी को बेचता है, जिसे ए जानता है कि वह अस्वस्थ है, घोड़ा अस्वस्थ है और चुपचाप साले बी को बेच देता है। तो घोड़ा तो अस्वस्थ है और बताता भी नहीं है, तो ये धोखाधड़ी है। ये क्या है? धोखाधड़ी है। अगला है गलत बयानी, गलत बयान। भारतीय अनुबंध की धारा 18 के अनुसार धारा याद नहीं करना है, ठीक है, धारा याद नहीं करना है। गलत बयानी का मतलब है कि सच्चाई को गलत तरीके से पेश किया गया है। दूसरा गलत बयानी भ्रामक विवरण जारी करना है, जिसके परिणाम स्वरूप यह अनुमान लगाया जाता है कि दूसरे पक्ष एक सौदे में प्रवेश करेगा और फिर हार जाएगा, फिर भी दोषी पक्ष द्वारा प्रदान की गई जानकारी मामले में वास्तविक विश्वास का परिणाम है। कहा गया है कि गलत बयान की गई है। सबसे पहले जब धोखा देने वाले व्यक्ति यह घोषणा करता है कि कोई भी उचित डेटा किसी व्यक्ति को गुमराह नहीं कर रहा है, दूसरे किसी दायित्व का उल्लंघन है जिसके कारण एक या दूसरे का पक्षपात हुआ है, अंत में किसी व्यक्ति द्वारा कार्य या जानकारी की गलत प्रस्तुति के कारण गलती हुई थी। उदाहरण के लिए ए ने बी को बताया कि उसका रेडियो अच्छी स्थिति में है। ए पर भरोसा होने के कारण बी ने उससे रेडियो खरीद लिया। कुछ समय बाद रेडियो ने ठीक से काम नहीं किया। बी ने सोचा कि उसे ए ने गुमराह किया, लेकिन ए का मानना था कि उसका रेडियो अच्छी स्थिति में था। मतलब ए और बी दोनों गलत नहीं है, ए भी अपनी जगह सही है और बी भी अपनी जगह सही है। धोखाधड़ी में ए को पता था कि वो घोड़ा गलत बेच रहा है, लेकिन ए को यहाँ पर पता है नहीं है। ए को लग रहा है कि मेरा जो रेडियो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ए को मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और उसे धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। तो यह गलत बयानी ए के हिस्से में है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रेडियो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गलती की। भारतीय अनुबंध कानून के तहत गलती के दो रूप होते हैं, तथ्य की गलती और कानून की गलती। अगर तथ्य की गलती है, मतलब तथ्य की गलती जब उत्पन्न होती है जब अनुबंध करने वाले एक या दो पक्षों ने किसी ऐसे शब्दों को गलत समझा है जो अनुबंध के अर्थों के लिए आवश्यक है, ऐसी गलती भ्रम, लापरवाही या फिर चूक आदि के कारण हो सकती है। गलती कभी भी जानबूझकर नहीं की जा सकती है, वह तो मासूमियत से की गई अनदेखी होती है। ऐसी गलतियां एक तरफा या द्विपक्षीय हो सकती है। द्विपक्षीय गलती क्या होती है? जब दोनों पर्सन ए भी गलती किया है और बी ने भी गलती किया है, मतलब जब किसी अनुबंध के दोनों पक्षों समझौतों के लिए आवश्यक तथ्यों की गलती के अधीन होते हैं, तो ऐसी गलती को द्विपक्षीय गलती के रूप में जाना जाता है। द्विपक्षीय गलती को कभी कभी पारस्परिक या सामान्य गलतियां भी कहा जाता है। सभी पक्ष एक ही बात और एक ही तरीके से सहमत नहीं होते, जो कि सहमति की अवधारणा है। चूँकि कोई सहमति नहीं है इसलिए अनुबंध अमान्य है। उदाहरण के लिए ए बी से एक गाय खरीदने के लिए सहमत होता है, लेकिन पता चलता है कि सौदे के समय गाय मर चुकी है। हालांकि यह तथ्य किसी भी पक्ष को पता नहीं था कि सर गाय मरेगी कि नहीं मरेगी, तो व्यर्थ व्यवस्था अवैध मानी जाती है। एक तरफा गलती क्या होता है कि या तो ए गलती करेगा या तो बी गलती करेगा, दोनों में से कोई एक गलती किया है। तो एक तरफा गलती तब होती है जब एक अनुबंध का केवल एक पक्ष गलती करता है। ऐसी स्थिति में अनुबंध रद्द नहीं होगा। अधिनियम की धारा 22 में यह निर्देशित है कि जब केवल एक पक्ष द्वारा गलती करने से अनुबंध रद्द नहीं होगा, इसलिए यदि केवल एक पक्ष ने गलती की तो अनुबंध एक वैध अनुबंध बना रहेगा। उदाहरण के लिए यह एक घोड़ा की खरीद के लिए बी के साथ एक समझौता करता है जिसे वह रेसिंग घोड़ा मानता है। ए बी से पुष्टि नहीं करता है वास्तव में घोड़े दौड़ने वाला घोड़ा नहीं है, ए अनुबंध रद्द नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही गलती है, एक ही व्यक्ति की गलती है, ठीक है, एक तरफा गलती है। दोस्तों ये था क्वेश्चन का आंसर, आपको लिखना होगा पूरा का पूरा। आइए दोस्तों देखते हैं इंग्लिश मीडियम में इसका सर PDF कहाँ मिलेगा। PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही तो सर मैसेज कर दो ना, एक मैसेज करने पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर एक मैसेज करने पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट वहाँ पर मैसेज जरूर कीजिएगा कि सर PDF दे दीजिए। समझ रहे बात को? बोलो बोलो बोलो।
अरे बोलो ना। चलिए दोस्तों देखते हैं, व्हाट डू मीन बाय द कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, व्हेन इज कंसेंट नॉट फ्री, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले फ्री कंसेंट क्या होता है वो देखते हैं। डिफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है कि इट इज व्हेन टू और मोर पर्सन, दो या फिर दो से अधिक पर्सन एग्री होते हैं सेम थिंग्स इन द सेम सेंस में, एक ही सेंस में दोनों व्यक्ति समझ रहे हैं कि हाँ मुझे वही कार चाहिए और मैं वो कार बेचना चाह रहा हूँ, मतलब ए भी वही कार बेचना चाह रहा है और बी भी वही कार खरीदना चाह रहा है, उसको मतलब कहते हैं फ्री कंसेंट। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल वही बोल रहा है। यहाँ घर का है कि दिल्ली का घर बेचना चाह रहा है, एक दिल्ली का घर बेचना चाह रहा है और दूसरा को लग रहा है कि वो बॉम्बे का घर खरीदना चाह रहा है, तो कंसेंट क्या है यहाँ पर फ्री नहीं है, इसलिए वो कंसेंट नहीं कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट जो है वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। समझ बात को सर, फ्री कंसेंट जो होता है उसमें कुछ कुछ रुकावटें होती है, मतलब कंसेंट कब फ्री नहीं होगा, जब कोअर्शन होगा, जब उसमें कोअर्शन होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, उसमें अगर फ्रॉड होगा, उसमें सर क्या होगा, अगर फ्रॉड होगा, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, अगर मिस्टेक होगा उस केस में सर कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। एक एक करके समझते हैं। कोअर्शन का मतलब क्या होता है कि जब गन के बेसिस पर आपसे कोई भी कागज़ को या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पास करा लिया जाता है, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो फ्री कंसेंट नहीं है। दोनों पार्टी फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टी का। जबरदस्ती बी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है गन लगाकर, यही बोल रहा है यहाँ पर कोअर्शन में। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, बिल्कुल कोअर्शन की तरह होता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में गन नहीं होता, कोई धमकी नहीं दी जाती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटली टॉर्चर किया जाता है, मतलब एक पिता अपने बूढ़े बाप से टॉर्चर करता है, उसके मेंटली टॉर्चर करता है और टॉर्चर करके उससे अपना कागजात जायदाद लिखा लेता है, जबकि उसका पिता, उसका जो बूढ़ा बाप है वो लिखना नहीं चाहता है, मतलब ज़बरदस्ती कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो ये कॉन्टैक्ट नहीं कराएगा, ये जो कागज़ पर लिखे हुए हैं अमान्य होगा। समझ रहे बात को सर। कौन कौन सा रिलेशनशिप होता है, ये ट्रस्ट का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, किसके किसके बीच, तो ये डॉक्टरों के बीच में होता है, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। मतलब टीचर ने बोला कि चुपचाप तू अपना अंगूठी दे दे मुझे, ये 5,000 का अंगूठी मुझे 200 में दे दे, वरना मैं तुझे फेल कर दूंगा एग्जाम में। तो बच्चा क्या है, बच्चा तो मासूम है, तो बच्चे ने क्या किया, 200 में इसे दे दिया, इस मास्टर को दे दिया। नहीं तो डर था उस बच्चे को, कहीं मेरा मास्टर फेल नहीं कर दे, कहीं मेरा मास्टर फेल मुझे नहीं कर दे, तो उसके डर से बेचारा 200 में दे दिया। तो मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस यही होता है, तो अगर 200 में दे दिया तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कलेगा, नहीं कलेगा। बच्चे जाएंगे कोर्ट में और जज साहब को बोलेगा कि जज साहब देखो ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है यहाँ पर, मैं बेचना तो चाहता नहीं था लेकिन ये धमकी दिया है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है मेरे साथ, जज साहब मेरा अंगूठी वापस लौटाओ। जज साहब बोलेगा कि हाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं है, अमान्य है, इसलिए वापस कर, टीचर को सजाओगे। अगला बात करते हैं फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि सर अगर फ्रॉड से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब कोई ए ने बी को घोड़ा बेचा और वो जो घोड़ा उसकी वो बीमार है, वो घोड़ा दौड़ नहीं सकता, ठीक है, उस केस में ये फ्रॉड कहलाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब होता है कि दोनों व्यक्ति को पता नहीं, ना तो ए को पता है ना तो बी को पता है, ए ने घोड़ा बेचा, ए को पता नहीं है कि घोड़ा चलता है या अस्वस्थ है, और बी को भी कुछ नहीं पता है, तो दोनों अनजान है, अनभिज्ञ है, उस केस में मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये वॉइड नहीं कहलाता, सजा किसी को नहीं होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, सजा किसको नहीं होती है, क्योंकि बेचारा ये भी बेकसूर और ये भी बेकसूर है। समझ रहे बात को। अगला बात करते हैं मिस्टेक का मतलब क्या होता है सर। एक तो फैक्ट से मिस्टेक हो सकता है और एक तो लॉ से मिस्टेक हो सकता है, दोनों से गलतियां हो सकती है सर, भगवान तो है नहीं जो गलती नहीं होगी। तो मिस्टेक सर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है यूनिलेटरल मिस्टेक और होता है बायलेटरल मिस्टेक, ध्यान से सुनते जाओ,
एक तो होता है यूनिलेटरल मिस्टेक और एक होता है बायलेटरल मिस्टेक। सर, यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बायलेटरल मिस्टेक मतलब क्या होता है? जब दोनों पार्टी ने मिस्टेक किया है, दोनों पार्टी ने गलतियाँ की है, दोनों पार्टी ने गलती किया है, उसको कहते हैं बायलेटरल मिस्टेक। ठीक है, उदाहरण के लिए ए एग्री हो जाता है काव को खरीदना, बी से काव को खरीदने के लिए एग्री हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो काव है वो बाद में जाकर मर जाती है, तो ना तो ए को पता था कि काव मर जाएगी, ना तो बी को पता था, तो ये मिस्टेक है, यहाँ पर कोई अवॉइड नहीं कराएगा। ठीक है, बायलेटरल मिस्टेक का मतलब समझ गए, दोनों के दोनों पार्टी मिस्टेक किया है। और यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब क्या होता है कि या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई एक पार्टी का गलती है। जैसे ए एंटर करता है एग्रीमेंट बी के साथ कि भाई मैं घोड़ा को खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन घोड़ा एक्चुअल में अस्वस्थ था, दौड़ने लायक नहीं था, तो कहीं कि यहाँ पर ए की गलती है ना, कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर बी की गलती है। बी को बताना चाहिए कि मेरा जो हॉर्स है वो दौड़ने लायक नहीं है, जिस कारण से ए कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, यहाँ पर ए की गलती है। आई होप दोस्तों समझ होंगे, ये सब आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। इसका PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और जो सीरीज चल रहा है उसको आप लोग लाइक करते जाइए, उसको खूब फॉलो कीजिए, पसंद कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें और आपको लगातार ये सीरीज जो है क्वेश्चन का डालते रहें। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। PDF जो मिल जाएगा लॉ का आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। प्लीज़ जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।